आपको, मैं मुशीदा और आप देख रहे हैं अमरीशन किचन। आपका सब कैसे हैं? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं की वजह से। तो मेरी तबीयत जो है वो कुछ ठीक नहीं है, तो हम ज़्यादा लंबी बातें नहीं करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, क्योंकि मौसम जो है वो चेंज हो रहा है आजकल, तो उसकी वजह से मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आज मैंने जाना है अपनी ननंद के तरफ, तो मैं अपनी बाजी के तरफ जाऊंगी और मैं वहां पे जाके आपके लिए कोई स्पेशल वीडियो बनाऊंगी। तो आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो अब मैं बस रेडी होने वाली हूँ, रेडी होने के बाद फिर मैं जाऊँगी, फिर इंशाल्लाह वहाँ पर जाके आपसे मुलाकात करती है। मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही वीडियो में नज़र आएंगे, तो वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। बरीक बरीक छान फिर मोटी मोटी रख दें बरीक ना ये देखें ये तैयार होने लगा गला। सारी हाथ की मेहनत है ये। मेहनत की थोड़ी मछला भाई बहुत मेहनत कर दे ने। जबरदस्त देखे जी कितना खूबसूरत हो रहा है। घड़ा बना दो चाटी बना दो जिवें जिवें आसानी लगदी
ਕਮਾਲ ਹੈ ਨਾ ਲਾਈ ਗੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਐ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਲਓ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਜਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੁੱਪੇ ਵੱਤਰ ਹੋ ਸਹੀ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੈ ਅਥਲਾ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ घड़े बने हुए ने दूसरे सी ए देखो ए चीज तैयार है ठीक है जी इस तरह तैयार होंदा घड़ा ए देखो ए पेंट होए हुए ने जी देखो माशाल्लाह किड्डे प्यारे लग रहे ने ए पेंट होया हुआ जी माशाल्लाह किड्डे प्यारे लग रहे ने जबरदस्त जी ए देखो सारी हाथ की मेहनत है जी असी खुद देख के हैरान हो गए कड़े देखे जरूर सी लेकिन ए देखो जी ए जड़ा ना अपना सारा कारीगरी जी जो कुछ है देखो किन्ने बने हुए ने चीज ए रंग देंगे ने फुल बूटे वगैरह जेडे बनते हैं ठीक हो गया जी तो यह बाकी धुआं निकलता पाया सामने ये पट्ठी हैगी है जी ये पट्ठी के क्लोज हो गए दिखाने भी अच्छा जो बन जाते हैं देखो जी पकते हैं जी पट्ठी ए देखो ए पट्ठी लगी हुई ये जो तैयार हो जाना वे हांडी हो गई घड़ा हो गया जो तैयार हो गया उदो ये पकना शुरू हो जाने इन्होंने पट्ठी बनाई हुई है इतों ये पाते हैं ए अगर सारी बलदी पई है देखो ठीक है जी बाकी वो देखो सामने घड़े पे हुए ने तैयार किए हुए जी आ देखो यह गंद जड़ा है ना दूजा टांडे वगैरह का चूरा वगैरह होंदा इनू बिच बालते ने जिदी वजह ना पकदा है घड़ा है जी चाटियां बनिया हुई ने वो घड़े सन तो यह चाटियां ने देखो माशाल्लाह काफ़ी सारिया बनिया पईयां ने ठीक हो गया जी सारी हादी मेरा माशाल्लाह ए देखो जी ए हैगी जी इनू पंजाबी दोरी कहिंदे ने असी लोग की कहिंदे ने कुंडी वगैरह भी कह ली दी है देखो सारिया मतलब इस तरह ही बनिया हुई ने इस तरह ही बनाते हैं ठीक है जी ए तैयार किए हुए ने इन्हों हजे पेंट वगैरह देना वे इन्हों पेंट किया हो पकई होएगी इन्हों सार फिर तैयार हो तो बाकी आ देखो जी पका के मतलब इन्होंने तैयार बिल्कुल रेडी करके रखे हुए ने ठीक है स्टॉक किया हुआ है देखो तुहाडे सामने पिया हुआ है पे ने सामने पई हुई ने ठीक है जी तो ये थी हमारी आज की वीडियो उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी तो इंशाल्लाह फिर हम जाने लगे हैं वापस घर जाके फिर दोबारा आपसे गपशप होती हम वापस घर आ चुके हैं तो आपने मुझे बताना है कि आपको हमारी वीडियो जो है वो कैसी लगी जो हमने आपको थोड़ा सा मिट्टी का जो है वो दिखाया है कि मिट्टी के बर्तन वगैरह किस तरह बनते हैं आपने भी देखा कि मिट्टी के जो बर्तन हैं उस पर कितनी मेहनत होती है वो जो टाइम है वो थोड़ा अजीब सा था और ये है कि वो सुबह कहते हैं हम 2-2:30 बजे उठ के हम बनाना शुरू कर देते हैं तो फिर 2-2:30 बजे फिर मैं वहाँ पे जाना मेरे लिए जो है मुनासिब नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है तो इस वजह से मैं थोड़ा सा टाइम मेरा चेंज था वो बिल्कुल छोड़ के काम बिल्कुल फ्री हो गए थे लेकिन उन्होंने फिर मेरी वजह से दोबारा काम को स्टार्ट किया और उन्होंने थोड़ा सा हिस्सा जो है वो आपको दिखाया और आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी उस पर कितनी ज़्यादा मेहनत होती है आपने भी देखा है कि बाज़ार में जो घड़े वगैरह चाटियाँ शाटियाँ और मिट्टी के जितने भी बर्तन वगैरह आपको मिलते हैं उस पर इतनी ज़्यादा मेहनत होती है तो आपको बहुत ज़्यादा वीडियो लगी अच्छी लगी होगी क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है ये देखी थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इसका कि इस तरह बर्तन वगैरह बनते हैं मैंने कभी भी नहीं देखे थे लेकिन आज मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है लाइव देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो इंशाल्लाह फिर हम आपसे दोबारा नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़